गुड इवनिंग टू एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है डिफेंस ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस सेशन में हम लोग जीके टेस्ट 1 का सिलेशन देखेंगे। ओके, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग सेशन, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ओके, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो सैनिक स्कूल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2021 की जो लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की, वो है 3rd ऑफ दिसंबर। तो जो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सैनिक स्कूल 2020 उनका नहीं भरा, उनको मैं बता दूं लास्ट डेट इज़ 3rd दिसंबर। ओके, प्लस आप लोगों के डिमांड पर, ऑन स्टूडेंट्स डिमांड, जो हमने स्पेशल ऑफर दिया है जिसमें सिर्फ 1 मंथ, ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 1 मंथ के RIMC और RMS, ठीक है, 1 मंथ के RIMC और सैनिक स्कूल, नॉट RMS, सॉरी, 1 मंथ के RIMC और सैनिक स्कूल के ऑनलाइन कोर्स में हम लोगों ने 50% का डिस्काउंट दिया है, ठीक है। ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए है, और फिर से मैं रिपीट करूँगा, इट इज़ ऑन स्टूडेंट्स डिमांड। तो आप लोगों के हमारे पास काफ़ी फ़ोन कॉल्स आए और आप लोगों ने इसको डिमांड किया, और इसलिए DOE की टीम ने आपको 50% डिस्काउंट दिया है, ठीक है। तो ये भी मैं बता दूं, इसकी जो लास्ट डेट है, जो वैलिडिटी इसकी ख़त्म हो रही है, वो ख़त्म हो रही है 4th ऑफ दिसंबर को। ओके, तो जितने भी बच्चे हैं जो 1 मंथ का कोर्स अवेल करना चाहते हैं, परचेज करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं, ठीक है। 50% का मैसिव डिस्काउंट आपको इसमें मिल रहा है। तो दो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने यहाँ पर डिस्कस करी, एक तो सैनिक स्कूल का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी लास्ट डेट है 3rd ऑफ दिसंबर, ओके, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की। उसके अलावा जो हमारा ऑनलाइन कोर्स है फॉर 1 मंथ, RIMC और सैनिक स्कूल, ये जो ऑफर है ये सिर्फ 1 मंथ के कोर्स के लिए ही वैलिड है, ध्यान दीजिएगा। 1 मंथ का जो RIMC और सैनिक स्कूल का कोर्स है उसमें ऑन स्टूडेंट्स डिमांड डिफेंस ऑफिसर्स एकेडमी 50% का डिस्काउंट दे रही है, ठीक है। लास्ट डेट 4th ऑफ दिसंबर, 4th ऑफ दिसंबर के बाद ये जो ऑफर है वो वैलिड नहीं रहेगा। चलिए, तो अब शुरू करते हैं आज का सेशन, और आज के सेशन में हम लोग जीके टेस्ट 1 का सलूशन देखते हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो, तो बहुत सिंपल से क्वेश्चंस मैंने आपको इस बार दिए थे, ओके, और सारा स्टैटिक कंटेंट है, कभी चेंज नहीं होता, लेकिन इंपॉर्टेंट है। तो इसमें सारी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स या साइंटिफिक मेजरिंग डिवाइसेस थी जो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम्स में आपसे पूछी जाती हैं, ठीक है। आप लोगों के काफ़ी कॉमेंट्स आ रहे हैं, काफ़ी बच्चे अभी लाइव है एट दिस मोमेंट, आपके कॉमेंट को मैं लास्ट में हैंडल करूंगा। ओके, सो 28 पीपल आर वॉचिंग राइट नाउ एट दिस मोमेंट, बट देर आर ओनली 11 लाइक्स। तो फटाफट से लाइक करो, मैं आगे बढ़ता हूँ। अच्छा, वट इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन नाउ? द फर्स्ट क्वेश्चन इज, विच डिवाइस इज यूज टू मेजर द डेप्थ ऑफ सीज एंड ओशियंस? एनी वन जो आंसर करेगा, वेरी गुड, फैथोमीटर इज द राइट आंसर। फैथोमीटर इज द डिवाइस विच इज यूज टू मेजर द डेप्थ ऑफ सीज एंड ओशियंस, ठीक है। फोर ऑप्शन विल गोइंग टू कम, एक बार अगर आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। वेरी गुड, सो लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स आर गिविंग द राइट आंसर। मानसी सिमल्टी इज देयर, महप्रीत इज देयर, विशाल द्विवेदी इज देयर, ओके, लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स, वेरी गुड, आशुतोष, लॉट्स ऑफ, चलिए सभी के नाम नहीं ले पा रहा हूँ, चलो, कृष्णा पटेल, देन देर इज अमुजुरु पांडू, ओके। चलिए सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, नेम अ डिवाइस, ओके, यहाँ पर SE नहीं आएगा, CE आएगा, ओके, लेकिन डिफरेंस आपको मालूम होना चाहिए, खासकर जो लोग RIMC के स्टूडेंट्स हैं, यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन डिवाइस, CE वाला डिवाइस और SE वाला डिवाइस। इसमें से एक नाउन है और एक वर्ब है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस RIMC में बड़े आते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक थी, नेम अ डिवाइस, यहाँ पर हम बात नाउन की कर रहे हैं, ठीक है। सो नेम अ डिवाइस यूज टू मेजर द शार्पनेस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हमेशा ध्यान रखना इट्स नॉट इलेक्ट्रोमीटर, जो बच्चे इलेक्ट्रोमीटर कह रहे हैं सारे रॉन्ग हैं, द आंसर इज नॉट इलेक्ट्रोमीटर, हमेशा ध्यान देना। इलेक्ट्रिक करंट को या तो अमीटर मेजर करता है, और जो उसकी स्मॉल क्वांटिटी होती है इलेक्ट्रिक करंट की, उसको गैल्वेनोमीटर मेजर करता है। सो द राइट आंसर इज गैल्वेनोमीटर, इट्स नॉट ग्रेवोमीटर, इट्स नॉट इलेक्ट्रोमीटर। इलेक्ट्रोमीटर लगता है आपको कि इलेक्ट्रिसिटी मेजर करेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इलेक्ट्रिक करंट कौन मेजर करता है? द राइट आंसर इज गैल्वेनोमीटर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, नेम एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द साउंड वेव्स इनसाइड द वाटर। साउंड वेव्स, साउंड, फोन इज रिलेटेड टू साउंड, वाटर मीन्स हाइड्रो, सो द हाइड्रोफोन इज द राइट आंसर। ऐसे आप रिलेट कर सकते हो, ठीक है, सो द राइट आंसर इज हाइड्रोफोन।
ठीक है, अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज, नेम अ डिवाइस यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी। द आंसर इज हाइग्रोमीटर। बहुत बार पूछा गया सवाल है, आप बाकी ऑप्शंस देखेंगे तो यू विल कम टू नो। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5 इज वेरी इजी, विच डिवाइस इज यूज टू डिटेक्ट एंड मेजर द प्योरिफिकेशन ऑफ द मिल्क। ये तो सभी को पता है, द राइट आंसर इज लैक्टोमीटर। ठीक है, लैक्टोमीटर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, अच्छा सवाल है, आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच। ठीक है, इनमें से कौन से रॉन्गली मैच हुए हैं। ठीक है, तो ऑप्शंस देखिए किस तरीके से आपको दिया है। एंडोस्कोप टू एग्जामिन इंटरनल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, हिप्सोमीटर टू डिटरमाइन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड्स, मैनोमीटर मेजर द प्रेशर ऑफ गैसेस। ये सारे सही हैं। सेलिनोमीटर डिटरमाइंस डेंसिटी, नहीं, सेलिनोमीटर डिटरमाइंस सेलिनिटी ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, सो डी इज द राइट आंसर, ये गलत है, दिस इज रॉन्गली मैच्ड। ओके, एंडोस्कोप आपने सुना होगा, एंडोस्कोपी, इट एग्जामिन्स द इंटरनल पार्ट ऑफ द बॉडी। हिप्सोमीटर डिटरमाइन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड्स, मैनोमीटर याद रखना प्रेशर ऑफ गैसेस। आगे कुछ क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। ओके, लाइट ईयर इज रिलेटेड टू, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर ऑफ टाइम्स बच्चों से पूछा गया है एंड नंबर ऑफ टाइम्स बच्चे इसको गलत करते हैं, याद रखना लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, जो बहुत बहुत दूर जो ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे स्टार हैं, ठीक है, उसको हम लोग जो जो डिस्टेंस मेजर करते हैं फ्रॉम द अर्थ, वो हम लाइट ईयर्स में मेजर करते हैं, 1 लाइट ईयर, 7 लाइट ईयर्स, इस तरीके से। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम अ डिवाइस थ्रू विच द ट्रूथनेस ऑफ द ह्यूमन बींग इज एग्जामिंड। उसको हम लोग पॉलीग्राफिक टेस्ट बोलते हैं। पॉलीग्राफिक टेस्ट में आपकी हार्ट बीट्स एंड बीपी, ब्लड प्रेशर चेक करके बता बता देते हैं कि आप सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। सो द राइट आंसर इज पॉलीग्राफ। ओके, पॉलीग्राफ इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, विच डिवाइस इज यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक। वेरी सिंपल, अर्थक्वेक से सिस्मिक वेव्स निकलती हैं, सो राइट आंसर इज सिस्मोग्राफ। ठीक है, यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन सिस्मोग्राफ एंड सिस्मोग्राम। ठीक है, ओके, ध्यान देना, सिस्मोग्राफ तो डिवाइस है, यहाँ पर भी सीई वाला डिवाइस आएगा, और सिस्मोग्राम याद रखना वो पेपर है, ठीक है, जिसमें वो ग्राफ बना हुआ है। ओके, वेव्स का जो ग्राफ बना है दैट इज सिस्मोग्राम। ओके, बट सिस्मोग्राफ इज एन इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पर कन्फ्यूजन ये होता है कि बच्चों को लगता है कि सिस्मोग्राफ इज अ ग्राफ पेपर, बट सिस्मोग्राफ इज एन इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, ये ध्यान रखना। सेम गोज फॉर ईसीजी ऑल्सो, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। आप देखते हैं ना हार्ट बीट्स को हम लोग कैसे मेजर करते हैं, ठीक है, तो जो मशीन है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, और जो पेपर आएगा जिसमें हार्ट बीट इन द वेव फॉर्म दी रहती है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ओके, सो ग्राफ, जहाँ पर भी ग्राफ आएगा वो इंस्ट्रूमेंट है, ध्यान देना। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, विच डिवाइस इज यूज टू लिसन द वाइब्रेशंस ऑफ द हार्ट एंड लंग्स। बहुत ईजी है, द आंसर इज स्टेथोस्कोप। डॉक्टर्स भी आपने देखते आप देखते हैं डॉक्टर्स जब चेकअप करते हैं हमारा, हमारी चेस्ट का चेकअप करते हैं, तो कहीं ना कहीं लंग्स की और हार्ट की वाइब्रेशंस या उसकी साउंड को सुनते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, ओके, विच इज यूज टू मेजर हीट रेडिएशंस। हीट रेडिएशंस, डू रिमेंबर दिस थिंग। देखो, ऑल्टीमीटर तो ऑल्टीट्यूड मेजर करता है, ऑडियोमीटर साउंड से रिलेटेड है, बोलोमीटर इज द राइट आंसर। द करेक्ट आंसर इज बोलोमीटर। ओके, डू रिमेंबर इट। ठीक है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन यहाँ पर बच्चों को हो सकता है। ओके, नेक्स्ट इज वेरी इजी, विच इज यूज टू मेजर द एटमोस्फेरिक प्रेशर। नंबर ऑफ टाइम्स इट हैज बीन आस्क्ड, द आंसर इज बैरोमीटर। प्रेशर ऑफ गैसेज होता तो मैनोमीटर होता, बट एटमोस्फेरिक प्रेशर, द आंसर इज बैरोमीटर। ओके, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं, विच इज यूज टू मेजर इनर एंड आउटर डायमीटर्स ऑफ बॉडीज। द आंसर इज वर्नियर कैलिपर। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। सिर्फ कैलिपर्स इन्होंने लिखा है यहाँ पर, आप ज़रूर इसको गूगल कीजिएगा और इमेज देखिएगा किस तरीके से इनर और आउटर डायमीटर हम लोग चेक करते हैं किसी भी बॉडी का यूजिंग दिस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट। ओके, जिसको हम लोग वर्नियर कैलिपर्स कहते हैं या सिर्फ कैलिपर्स भी कहते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, विच इज़ यूज टू मेजर मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है ये तो नहीं बताऊंगा, क्योंकि इसके लिए आपको सबसे पहले करंट क्या होता है ये मालूम होना चाहिए, फिर कैसे करंट के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है वो मालूम होना चाहिए, और वहीं से फ्लक्स जनरेट कैसे होता है वो मालूम होना चाहिए। सो आई विल नॉट गो इन डिटेल, बट यहाँ पर इतना ध्यान रखना, मैग्नेटिक फ्लक्स, फ्लक्स मीटर इज राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन आप देखोगे हाइड्रोमीटर नहीं हो सकता, हाइग्रोमीटर, फैथोमीटर, ये हमने सारे देख लिए। सो यू शुड नो द एलिमिनेशन ऑफ ऑप्शन ऑल्सो। अगर क्वेश्चन नंबर 14 आपके एग्जाम में आ जाता तो आप ऑप्शंस देख के सही आंसर निकाल सकते थे बहुत इजीली। ठीक है, ओके, अगला सवाल क्या है, विच इज़ यूज टू कंपेयर द इंटेंसिटी ऑफ कलर्स। द आंसर इज कलोरीमीटर। ओके,
द आंसर इज कैलोरीमीटर, ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 16 इज अगेन वेरी इजी, विच इज यूज टू मेजर द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। विस्कोसिटी द आंसर इज विस्कोमीटर, ठीक है। विस्कोसिटी को आप फ्रिक्शन से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है, ओके। लिक्विड्स में होती है ये विस्कोसिटी, ध्यान दीजिएगा। इट्स अ काइंड ऑफ फ्रिक्शन ओनली, द अपोजिंग फोर्स, ठीक है। कोई भी बॉडी जब मूव करती है किसी अदर सरफेस में, जो वो अपोजिंग फोर्स लगता है उसको हम लोग फ्रिक्शन कहते हैं। तो लिक्विड्स में भी आप देखना, कोई भी लिक्विड लिक्विड अगर फ्लो करता है तो कोई तेज से फ्लो करता है, किसी पे अपोजिंग फोर्स लगता है जिसकी डेंसिटी जितनी ज़्यादा हो। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं कि अगर हमारे पास प्योर वाटर है और हमारे पास अगर प्योर हनी है, तो हनी की विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा है क्योंकि उसकी डेंसिटी ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं जो उसका फ्लो होगा उसमें कहीं ना कहीं एक अपोजिंग फोर्स होगा, इसीलिए आप कह सकते हैं कि जो हनी है उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है, या उसमें जो फ्रिक्शन है आप कह सकते हैं, या फ्लो का जो रेट है वो काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू प्योर वाटर, ओके। अच्छा, विच इज़ यूज टू मेजर द रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड्स। अगर आप ऑप्शंस देखेंगे यहाँ पर, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड्स, टैकोमीटर इज रिलेटेड टू स्पीड, सेंचुरी मीटर नहीं है, वेंचुरी मीटर इज द राइट आंसर, सी इज़ द राइट आंसर, हाइग्रोमीटर हम देख चुके हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच इज़ यूज टू मेजर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड्स। अभी हमने देखा था, मैच द फॉलोइंग में, हिप्सोमीटर इज द राइट आंसर, ठीक है। अभी अभी हमने इस चीज़ को देखा भी था, ठीक है। अच्छा, द माइक्रोस्कोप इज़ यूज टू स्टडी, दिस इज़ वेरी इजी। माइक्रोस्कोप हमें पता ही है, माइक्रोस्कोप हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए, ठीक है, माइक्रोस्कोप फॉर स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अच्छा, विच इज़ यूज टू मेजर द पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। पावर हमेशा याद रखना, पावर हम लोग बात करते हैं जब भी, अगर हम लोग किसी भी इनकैंडेसेंट बल्ब या किसी भी एलईडी बल्ब की पावर की बात करते हैं, तो हम बोलते हैं ना 5 वॉट का बल्ब है, 10 वॉट का है। तो वॉट मीटर याद रखना, यूज टू मेजर द पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। द एनर्जी ऑफ फूड इज मेजर इन कैलोरीज, ठीक है। आप कहते भी हैं फूड से इतनी कैलोरी मिलती है, चॉकलेट खाएंगे इतनी कैलोरीज मिलेंगी, ठीक है, वहाँ से आप रिलेट कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज, विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ शुगर इन अ सोल्यूशन। सपोज मुझे ये क्वेश्चन नहीं आता, तो स्पेक्ट्रोमीटर तो हो नहीं सकता, स्पेक्ट्रम से रिलेटेड होगा ये, तो स्टेथोस्कोप तो नहीं हो सकता, सेक्सटेंट भी नहीं है, सो द राइट आंसर विल बी स्कैरोमीटर, ओके, सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। आप इसका प्रोनंसिएशन देख लेना, माइट बी मेरा गलत हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। नेम द इंस्ट्रूमेंट विच इंडिकेट्स स्पीड एट विच अ व्हीकल इज मूविंग, ओके। अगेन इट्स वेरी इजी, सिस्मोग्राफ नहीं हो सकता, स्कॉटोग्राफ नहीं हो सकता, स्पीडोमीटर, ओके। तो स्पीडोमीटर गाड़ियों में लगा रहता है, आपको सभी को पता है, स्पीड हम लोग मेजर करते हैं। टू डिटेक्ट द डायरेक्शन एंड रेंज ऑफ एन अप्रोचिंग एरोप्लेन, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। सो विच रेडियो वेव्स, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्शन और रेंज किसी भी अप्रोचिंग ऑब्जेक्ट या एरोप्लेन का हम लोग डिटेक्ट करते हैं बाय मीन्स ऑफ रेडियो वेव्स। सो द राइट आंसर इज रडार, ओके। आप लोगों के ऑप्शंस, सॉरी आप लोगों के कमेंट्स में नहीं देख रहा हूँ काफ़ी टाइम से, ओके। सो आंसर इज रडार। अच्छा कौन, चलो मैं उसका नाम बोलूंगा जो मुझे रडार का फुल फॉर्म बताएगा। फास्ट टेल मी द फुल फॉर्म ऑफ रडार, एनी बडी, रडार का फुल फॉर्म लिखो फटाफट से। निशांत, गौरव, एनी वन, कंचन, अभिषेक, विनीत, राइट द फुल फॉर्म ऑफ रडार फास्ट। मनदीप चटर्जी सेइंग सर वीडियो इज नॉट क्लियर, फास्ट रिप्लाई, रडार का फुल फॉर्म। वेरी गुड, निशांत डोबाल हैज गिवन इट फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद फिर वानिया जोनस, सो इट्स रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग इज द राइट आंसर, ठीक है, ओके। चलिए, ये भी आता है, फुल फॉर्म भी काफ़ी बार पूछा गया है, ठीक है। अच्छा बिफोर, ओके चलो ठीक है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, वेरी गुड, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सो विच डिवाइस कन्वर्ट्स हीट एनर्जी इंटू मैकेनिकल एनर्जी, इट्स वेरी इजी। स्टीम इंजन के यूज से हम लोग हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी पूछता है। इलेक्ट्रिक एनर्जी इंटू मैकेनिकल, इलेक्ट्रिक इनपुट देंगे और आउटपुट मैकेनिकल होगा, दैट विल बी इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है। इनपुट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी, आउटपुट मैकेनिकल है, पंखे जैसे आप कह सकते हो, फैन अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। इलेक्ट्रिक एनर्जी इंटू साउंड एनर्जी इज लाउड स्पीकर, ठीक है, जाती इलेक्ट्रिक एनर्जी है लेकिन आउटपुट साउंड आता है। विच डिवाइस कन्वर्ट्स साउंड एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, माइक्रोफोन, ठीक है, इनपुट साउंड एनर्जी, आउटपुट इलेक्ट्रिक एनर्जी।
विच डिवाइस कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी? केमिकल इंटू इलेक्ट्रिकल बैटरी, बैटरी के अंदर क्या होता है? केमिकल, और वो क्या करता है, उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अच्छा, व्हाट डज एन ऑल्टीमीटर मेजर? ऑल्टीट्यूड। बहुत आसान है, आजकल तो वॉचेज में भी, या आप क्या कहोगे, बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स आते हैं, फोन्स में भी ऑल्टीमीटर रहता है, जो एडवांस फोन्स हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, 20 क्वेश्चन आर रिमेनिंग। ठीक है, इसको फटाफट से मेजर करते हैं। ओके, अगला सवाल क्या है, मैंने ऑलरेडी बता दिया है, हल्की सी हिंट आपको दी थी। क्वेश्चन नंबर 31 है, व्हाट वुड वी यूज टू मेजर द करंट? ठीक है, तो द राइट आंसर विल बी अमीटर हियर। ठीक है, वैसे याद रखना, अमीटर और गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर, अगर करंट का जो वैल्यू है वो बहुत कम है, तो हम लोग गैल्वेनोमीटर भी यूज़ करते हैं, क्योंकि वो छोटे छोटे डिफ्लेक्शंस भी दिखाता है। क्वेश्चन नंबर 32 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 32 इज द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग द वेलोसिटी ऑफ विंड इज नोन एज अनीमोमीटर। ठीक है, अनीमोमीटर इज द राइट आंसर। आप इन सारे इंस्ट्रूमेंट्स को सर्च कीजिएगा, आप इन सारे इंस्ट्रूमेंट्स की इमेजेस देखिएगा, आपको इसलिए आपको याद रखेंगे, आप याद रखेंगे इन इंस्ट्रूमेंट्स को। ठीक है, इमेजेस ज़रूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं, द टेलीस्कोप इज यूज फॉर व्यूइंग, ये तो बहुत आसान है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, दूर के ऑब्जेक्ट्स देखते हैं हम लोग टेलीस्कोप से, प्लैनेट्स देखते हैं, सैटर्न, वीनस। अच्छा, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द गैस प्रेशर? अभी हमने देखा था, द राइट आंसर इज गैस प्रेशर का मैनोमीटर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, मतलब रिपीट इन द सेंस कि ऑलरेडी हम इसको देख चुके हैं। अच्छा, नेम द अपैरेटस विच इज यूज टू गाइड द सेलर्स, गाइड करने के लिए मरीनर्स, कंपास इज द राइट आंसर। ओके, वेरी सिंपल। अच्छा, द अपैरेटस यूज इन सबमरीन्स टू गिव अ क्लियर व्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द सर्फेस ऑफ द ओशियन और ग्राउंड, इट इज नोन एज पेरीस्कोप। ठीक है, ओके, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। इस तरीके से ये कुछ इंस्ट्रूमेंट इस तरीके से होता है, यहाँ पर एक मिरर होता है 45 डिग्री में, फिर यहाँ पर एक मिरर होता है, और फिर ऐसे आप इमेज यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 37 पे आ जाओ, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द हाई टेम्परेचर्स? याद रखना, पायरोमीटर इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 38 पे आ जाए, द मेजरमेंट ऑफ रेनफॉल इज मेड बाय रेन गेज, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर डिटरमाइनिंग स्पीड्स ऑफ एरोप्लेन्स एंड मोटर बोट्स? टैकोमीटर। ठीक है, एरोप्लेन्स और मोटर बोट्स के केस में टैकोमीटर। रिक्टर स्केल क्या होता है? अरे, इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक मेजर करते हैं, 7.5 रिक्टर स्केल का भूकंप, हम कहते हैं ना, 10 रिक्टर स्केल का तो अभी तक आया नहीं है, ठीक है, लेकिन 7-8 रिक्टर स्केल तक के तो हमने देखे हुए हैं। ठीक है, देखे इन द सेंस की सुने हुए हैं। ठीक है, ओके, अगला सवाल है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड्स? अच्छा, लिक्विड से रिलेटेड है, तो कहीं ना कहीं हाइड्रो तो होगा, लेकिन हाइड्रोफोन तो साउंड से रिलेट होता है, तो हाइड्रोमीटर विल बी द राइट आंसर। ओके, इन दिस वे यू कैन एलिमिनेट द ऑप्शंस आल्सो। क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द करंट्स ऑफ स्मॉल मैग्नीट्यूड? ये रिपीट हो रखा है, गैल्वेनोमीटर। ठीक है, स्मॉल मैग्नीट्यूड याद रखना, द आंसर इज गैल्वेनोमीटर। 43 पे आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? ठीक है, वोल्ट मीटर क्या करता है? इट मेजर्स द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वेरी गुड। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग वोल्टेज बोलते हैं, वोल्टेज मेजर करता है, बिल्कुल सही। बी ऑप्शन देख लेते हैं, विस्कोमीटर मेजर्स द विस्कोसिटी, ऑलरेडी हमने देख लिया। वर्नियर क्या करता है? मेजर स्मॉल सब डिविजन्स, हाँ बिल्कुल, वर्नियर कैलीपर स्मॉल सब डिविजन भी मेजर करता है, इनर आउटर डायमीटर ऑफ बॉडीज भी मेजर करता है। सो द राइट आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, सारे सारे जो मैच हैं वो करेक्ट हैं। ठीक है, थियोडोलाइट क्या करता है? इट मेजर्स हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल्स। ओके, उसके अलावा 45 में आते हैं, टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ डायरेक्ट करंट, याद रखना, करंट अगर कहीं पर भी होगा तो टैंजेंट गैल्वेनोमीटर। ठीक है, इन डिटेल कभी बताऊंगा आपको मैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट करंट एंड ऑल्टरनेट करंट। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन उससे रिलेटेड है। देन वी हैव फिग्मोमैनोमीटर इज यूज टू मेजर बीपी, ब्लड प्रेशर। ठीक है, फिग्मोमैनोमीटर, स्पेलिंग देख लेना, एस साइलेंट रहता है इसमें, वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 47 में आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू चेंज AC इंटू DC, ऑल्टरनेटिंग करंट इंटू डायरेक्ट करंट? इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आपका ऑल्टरनेटिंग करंट है, ठीक है, और ये आपका डायरेक्ट करंट है। ठीक है, इस तरीके से, सपोज 5 वोल्ट्स का, और यहाँ पर 240 वोल्ट्स, जो हमारे घर में AC आती है, तो ये हमारी AC है, ऑल्टरनेटिंग करंट, और ये हमारा DC है, डायरेक्ट करंट, इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। ठीक है, सो रेक्टिफायर इज़ द राइट आंसर। रेक्टिफायर कैसे रेक्टिफाई करता है और किसी AC को DC में चेंज करता है, उसके बारे में भी बाद में बात करेंगे। ठीक है, अगेन मैच द फॉलोइंग है, रॉन्गली मैच्ड कौन सा है ये आपको बताना है।
तो यहाँ पर आपने देखा गैल्वेनोमीटर मेजर्स इलेक्ट्रिक करंट, बिल्कुल सही है। हिप्सोमीटर मेजर द प्रेशर ऑफ गैसेस, देखते हैं, ठीक है। हाइड्रोमीटर मेजर द रिलेटिव डेंसिटी, बिल्कुल सही। मेजर साउंड अंडर वाटर हाइड्रोफोन, बिल्कुल सही। सो हिप्सोमीटर इज द राइट आंसर, ठीक है यहाँ पर, ओके। क्योंकि प्रेशर ऑफ गैसेस की बात करें तो वहाँ पर आता है मैनोमीटर, ओके। 49 पे आ जाते हैं, 49 है। विच टू एग्जामिन द इंटरनल पार्ट्स ऑफ द बॉडी विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज, अगेन रिपीट हुआ है क्वेश्चन, द आंसर इज एंडोस्कोप, ठीक है। एंडोस्कोपी करते हैं इंटरनल पार्ट्स, बहुत आसान है। एंड द लास्ट क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड, फिर से देखते हैं कौन सा रॉन्गली मैच्ड। ऑडियोमीटर मेजर्स द इंटेंसिटी ऑफ साउंड, बिल्कुल सही। बाइनोकुलर्स टू व्यू डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, बिल्कुल सही। ओडोमीटर टू मेजर द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, नहीं, ओडोमीटर तो डिस्टेंस मेजर करता है। कार्डियोग्राफ इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेकिंग अ ग्राफ ऑफ हार्ट एक्शन, बिल्कुल ठीक। सो सी इज द राइट आंसर, सी वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पर सही है, क्योंकि वो रॉन्गली मैच्ड है, ठीक है। सो इन दिस वे वी हैव कम्प्लीटेड द टेस्ट, 50 क्वेश्चंस वी हैव सीन। अगर आपको कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। जो बच्चे कोर्स के बारे में पूछ रहे हैं, कोर्स की क्या कॉस्ट है, तो वो ज़रूर इन दिए गए नंबर्स पे फ़ोन कीजिएगा, मैं जूम कर लेता हूँ, ठीक है। दिस आर द नंबर्स, ओके। इन दिए गए नंबर्स पे आप फ़ोन करें, और 50% डिस्काउंट के बाद आपको कोर्स की क्या कॉस्ट मिल रही है उसे आप ज़रूर पता करें। कैसे अवेल करना है, अगेन यू कैन कॉल इन दिस नंबर्स, ठीक है। सो अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, 4th of December इज़ द लास्ट डेट। ऑनलाइन जो कोर्स में हम लोग जो 50% का डिस्काउंट दे रहे हैं ऑन स्टूडेंट्स डिमांड, सिर्फ 1 month के कोर्स में, फिर से रिपीट करूँगा, 1 month के RIMC और सैनिक स्कूल के कोर्स में ही हम लोग अभी सिर्फ डिस्काउंट दे रहे हैं। RMS में अभी डिस्काउंट इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि RMS का अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है। जैसे ही आएगा विल ट्राई, क्योंकि RMS के भी काफ़ी हमारे पास फ़ोन कॉल्स आए हैं बच्चों के, ठीक है। और अगेन जो पेरेंट्स पूछ रहे हैं कि RMS का फॉर्म कब आएगा, अगेन हमें भी नहीं पता। हम लोग RMS की डेली वेबसाइट विजिट करते हैं, जब तक वो इंटीमेट नहीं करेंगे हम लोग स्पेसिफिक नहीं बता सकते, ठीक है। बच्चे अपने मार्क्स भी बता रहे हैं, बहुत अच्छे। मेहरप्रीत, 46 out of 50, वेरी गुड, ओके। सो प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो, अगर आपको अच्छा लगे शेयर करिएगा ताकि और बच्चों को भी मालूम पड़े। एंड डू सब्सक्राइब द चैनल इन ऑर्डर टू गेट ऑल द इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस, हिट द बेल आइकन एज वेल। बाय बाय, ऑल द बेस्ट, सी यू।